वेलकम बैक दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसने भी अभी तक इसके प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे हैं, फटाक से जाओ कमेंट बॉक्स को चेक करो, लिंक तुम्हें वहीं पर पिंड मिल जाएगा, जिससे कि तुम्हें स्टोरी भी अच्छे से समझ में आ जाएगी, क्योंकि स्टोरी बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है। वेल, तो इस पार्ट की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ लास्ट पार्ट का दी एंड हुआ था। अपनी मेमोरी में बाओ को देख कर चुआन लियोंग से कहता है कि जब मेरे दादाजी मरे थे तब बाओ बहुत छोटी होगी ना। ये सुनते ही लियोंग चुआन को कहकर चला जाता है कि मेरा काम तो सिर्फ तुम्हें बताना था, विश्वास करना ना करना सब तुम्हारे ऊपर है। और उसके जाते ही चुआन याद करता है कि जिस दिन उसके दादाजी की डेथ हुई थी ना, उस दिन उसने हुए ही और बाओ को ही देखा था। और वही शान और हुए को भूसान से पूछताछ करते हुए हम देखते हैं कि सिनेस्टर प्लेजर का असली मकसद क्या है। और जैसे ही वो उसे बताने लगता है कि तभी शांग उसकी सारी शी पावर्स लेकर उसे मार देता है। और ये देखकर हुए शान को सिनेस्टर के खिलाफ अरेस्ट वारंट इश्यू करके सैंग को अरेस्ट करने को कहता है। वहीं बाओ से सारा सच जानने के लिए चुआन जल्दी से उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन रास्ते में उसे उसका अपोनेंट मिलता है जो कि बाओ से हार कर वापस आ रहा था। वो बाओ के बारे में उसे पूछताछ करता है और बताता है कि मैंने सच में अपने अटैक से उसके शी का कलर देखना चाहा था, लेकिन वो तो बिल्कुल ही कलरलेस थी। कलरलेस शी पावर सिर्फ उन्हीं की होती है जिन्होंने कोई क्राइम किया होता है और उनकी मेमोरी मिटा दी जाती है। तभी फिर सान चुआन से कहता है कि उसे हुई ये ने बुलाया है। नेक्स्ट सीन में हम हुई को देखते हैं कि तभी चुआन आकर उसे मार देता है। तभी वो बाहर से किसी के आने की आवाज़ सुनता है तो ये पता लगता है कि वो तो यहूदा था जो कि रूप बदल सकता था, और वो भी वहाँ पर हुए से बदला लेना चाहता था। सान और चुआन रियल हुए की ये हालत देखकर काफी परेशान हो जाते हैं कि तभी चुआन किसी को बाहर जाते हुए देख लेता है और उसका पीछा करते हुए उसे पकड़ लेता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि उसका हमशक्ल था। उसे देख कर तो वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। वही हुई की हालत बहुत बिगड़ चुकी थी और उनके पास अब ज्यादा टाइम नहीं था कि तभी चुआन आकर बाओ से पूछता है कि तुमने मेरे दादाजी को क्यों मारा था। बाओ ने भी ये बात एक्सेप्ट कर ली होती है और उसने ही दादाजी को मारा है। और ये सुनकर तो चुआन गुस्से में अपनी पावर्स प्रोसेस करने लगता है। हुए उसे शांत कराकर शुरू से पूरी स्टोरी बताते हैं कि जब वो 8 साल के थे तब बाओ उनके फैमिली से मिली थी, जिसके साथ में कुछ बुरे लोग गलत कर रहे थे, लेकिन बाओ को कुछ भी फील नहीं हो रहा था कि तभी उसके पेरेंट्स उसे उसके घर ले आए थे। बाओ को कुछ भी याद नहीं था और इसलिए जब तक उसके पेरेंट्स नहीं मिलते हैं तब तक हमने उसको साथ में रखने का फैसला किया। मेरे डैड रोज टाउन में उसके बारे में पता करने के लिए जाते थे, लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं लगा, जिसके बाद से ही बाओ हमारे साथ में रहने लगी और उसे तो अपना नाम तक याद नहीं था और इसलिए हमने उसका नाम वो रख दिया। लेकिन फिर उसे एक दिन अपना नाम याद आया, फैंग। और जब माँ उसे कुछ याद करने को कहती थी जिससे कि उसके सर में दर्द होने लगता था, जिसके लिए वो डॉक्टर को बुलाते हैं, डॉक्टर बाओ को शान देखकर बोलते हैं कि ये अपनी शी सोर्स को अच्छा कर रही है और इसलिए मैं बोलूंगा कि इसके बारे में किसी को कुछ भी मत बताना। डॉक्टर की बातें सुनकर तो उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये शी है क्या। और रात में हुए बाओ से पूछता है कि उसे क्या हुआ था, तो बाओ बोलती है कि मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई बाहर आना चाहता है मेरे अंदर से। फिर वो उसे शी पर फोकस करने को कहती है। पहले तो हुए को कुछ भी फील नहीं होता, लेकिन फोकस करने पर अब उसे शी फील होने लगती है। और ऐसे ही 5 साल बीत जाते हैं। बाओ फिर एक दिन माँ को एक गाना गाते देख कर खुद भी वही गाना गुनगुनाने लगती है, क्योंकि वो उसे काफी पसंद था। और इसके बाद फिर एक दिन हुए की आंटी मॉम डैड से बाओ की शादी उनके बेटे से कराने को कहती है, तो वो दोनों ही उसे मना कर देते हैं क्योंकि भाई उनका लड़का बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तभी फिर हुए पेरेंट्स से कहता है कि अभी तक बाओ की फैमिली का कुछ भी पता नहीं है, तो क्यों ना हम उसे अडॉप्ट कर ले। ये सुनते ही दोनों इस बात पर अग्री करते हैं। और एक दिन गांव में लुटेरे आकर सब कुछ लूट लेते हैं, सभी को बंदी बना लेते हैं कि तभी बाओ वहां पर पहुंच जाती है, तो एक लुटेरा उसे जबरदस्ती करने लगता है, जिसे देखकर डैड उसे बचाने के लिए जाते हैं, तो वो लोग उन्हें ही मार डालते हैं। ये देखकर माँ जोर जोर से रोने लग जाती है और उन्हें रोता हुआ देखकर बाओ को भी काफी बुरा लगता है, क्योंकि अब वो भी इमोशंस को फील करने लग गई थी और इसलिए वो सभी लुटेरे को अकेले ही मार गिराती है, जिसे देखकर सभी लोग उसके बारे में काफी बुरा बुरा बोलने लग जाते हैं कि वो एक मॉन्स्टर है, जिससे कि फिर परेशान होकर उसकी माँ तो वहीं पर उसे घर में अकेला ही छोड़ जाती है। हुए फिर उसे ग्रास ऊपर देखकर जाता है, जिससे कि उसका मन लगा रहे और वो बोर ना हो। ऐसे ही फिर टाइम बीतता जाता है और वो घर भी खंडर बन जाता है, लेकिन बाओ अभी भी अपनी फैमिली का वेट करती रहती थी।
साथ ही अगर चैनल पे नए हो ना तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि अगली वीडियो आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो जाए। और मैंने इतनी सारी मेहनत की है तो एक लाइक तो बनता ही है, तो वीडियो अगर थोड़ी सी भी पसंद आती है ना आपको तो लाइक भी कर ही देना। एक दिन हुए बड़े होकर जब वहाँ पर पहुँचता है, बाप की जगह उसे वहाँ पर बस वो ग्रहों पर पिंजरे में मिलता है और वो फैसला कर लेता है कि अब वो भाव को ढूंढ कर ही रहेगा। नेक्स्ट सीन में फैंग जू जो उस टाइम एनडीटी का प्रेसिडेंट था, वो हुए को एनडीटी ज्वाइन करने के लिए बोलता है जिसमें आउटसाइडर भी अलाउ थे। भाव को ढूंढते हुए 3 साल बीत जाते हैं। हुए अपने काम के लिए साउथ ईस्ट एशिया चला जाता है जहाँ वो अपने दोस्त रोक के साथ एक रेस्टोरेंट में डिनर कर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पे उसे एक लड़की खाना चुरा कर भागते हुए मिलती है और वो कोई और नहीं बल्कि बाव थी। लेकिन हुए ही उसका फेस नहीं देख पाता है। वहीं रास्ते में एक लेडी बाव को उसकी फैमिली से मिलवाने का बहाना देकर उसे अपने घर ले आती है और अगले दिन उसे लड़की बेचने वाले गिरोह के पास में ले जाती है। बाव सभी से अपनी फैमिली के बारे में पूछ रही होती है लेकिन उनकी कोई भी खबर ना मिलने पर वो तो वहाँ से जाने लगती है, तो कुछ लोग उसे घेर लेते हैं। बाव फिर सभी को धूल चटा देती है। ये देख कर उनका लीडर बाव को बाव से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें मैं तुम्हारी फैमिली के पास ले जाऊंगा और इसके लिए तुम्हें ये इंजेक्शन लेना होगा, और वो उसे इंजेक्शन भी लगा देता है। लेकिन भाई सिर्फ एक इंजेक्शन से वाव का तो कुछ भी नहीं होता, तो वो उसे बहुत सारे लगाने लग जाता है जिससे कि वो बेहोश हो जाती है। वहीं फिर हुए यूरोप के साथ में मिलकर उनका पता लगा रहा होता है और डीलर बनकर बाव को खरीद लेता है। उसे इतने दिनों बाद देखने के बाद वो तो रोने ही लगता है। बाव भी उसे पहचान लेती है और अब प्रेजेंट में जुआन पूछता है कि बाकी सब तो ठीक है लेकिन दादाजी की डेथ से इसका क्या कनेक्शन हुआ, जिसके बाद वो उसे आगे की स्टोरी बताता है। बाव को रेस्क्यू करने के बाद उसके बारे में जानने के लिए मैंने उसे एनडीटी में शामिल कर लिया था, जहां पर एक दिन मुझे लगा कि बाव का कनेक्शन जियोशन क्लामिटी से है और उसमें तुम्हारे दादाजी भी थे लेकिन उन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया था। लेकिन फिर एक दिन हमने उन्हें एक जगह पर जख्मी हालत में देखा और ये भी कि उनकी बहुत सारी क्लॉन लीडर्स के साथ में फाइट भी हुई थी जहां सभी लोग मरे पड़े थे। और जब हम उनके पास पहुँचे तो उन्होंने बाव को देखकर कहा तुम तो अभी भी ऐसी ही दिखती हो। बाव ने फिर उनसे अपनी फैमिली के बारे में पूछा लेकिन उन्होंने उसे कुछ भी नहीं बताया और अपने आप को चुहान के पास ले जाने को बोला। बाव और हुए उन्हें घर ले आते हैं जहाँ दादाजी बाव से कहते हैं कि सही टाइम आने पर तुम्हें सब कुछ सच पता लग जाएगा, बस तुम्हें मुझसे ये वादा करना होगा कि मेरे जाने के बाद तुम चुहान का अच्छे से ध्यान रखोगी। दादाजी की हालत और ज्यादा बिगड़ने लग जाती है और इसीलिए वो बाव से खुद को मारने को कहते हैं और साथ ही वो उसे अपनी पावर्स देते हुए बोलते हैं कि जब चुहान को इनकी जरूरत होगी तो मुझे ये जरूर दे देना। और उनकी बात मानकर बाव उन्हें मार देती है और उनकी बॉडी घर के बाहर रख कर फैसला करती है कि अब से हमेशा छुपकर चुहान को ही प्रोटेक्ट करेगी। प्रेजेंट में चुहान को तो उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। वे फिर उसे बाव के साथ में थोड़ा टाइम और स्पेंड करने को कहता है और साथ ही बताता है कि इस कंपटीशन में हिस्सा बाव के बारे में जाने के लिए ही उसने लिया है। तभी फिर बाव हुए को वो सॉन्ग सुनाती है जो कि उसकी माँ हमेशा गाया करती थी और ये सुनते ही वो अपने बचपन के सारे मोमेंट्स को याद करने लग जाता है और उसकी डेथ हो जाती है, जिसके बाद चुहान बाव के साथ रहने का ही फैसला करता है ताकि उसे सच का पता लग सके। नेक्स्ट सीन में सभी सेलेस्टियल सीनियर को हुए की डेथ पर बहुत ज्यादा दुख हो रहा होता है और वो एनडीटी के लिए न्यू प्रेसिडेंट ढूंढने की बात करते हैं, जहां पर सुसी और सुसान आकर सबको बताते हैं कि वो उनके बेटे हैं, सो इसलिए अब से एनडीटी आगे वही लोग संभालेंगे। सब उनकी बात भी मान लेते हैं। तभी फिर मास्टर चुहान को बताते हैं कि वो मास्टर तियान और उनके दादाजी अच्छे दोस्त थे, जो सुनकर चुहान उनके सामने झुक जाता है कि तभी मास्टर लॉन्ग मास्टर को बताते हैं कि हमें तो ऐसा लगा था कि सिनिस्टर के मेंबर भेस बदल कर आपकी पावर्स को लेने के लिए आएंगे, लेकिन उनका असली टारगेट तो चुहान की पावर्स थी। चुहान मास्टर से पूछता है कि क्या मेरे दादाजी ने माउंट लोगों को धोखा देकर सिनिस्टर में काम किया था, जिसका आंसर देने के लिए मास्टर सभी को बाहर भेज देते हैं और कहते हैं कि हाँ ऐसा ही हुआ था। लेकिन वो वहाँ पर अकेले नहीं थे, बहुत सारे लोगों ने मिलकर धोखा देकर सिनिस्टर के लिए काम किया था। जहाँ पर मास्टर लोजिंग देखते हैं कि सभी उनकी बातें सुन रहे हैं और इसलिए वो उन्हें वहाँ से भगा देते हैं। फिर चुहान को बताते हैं कि ये पावर्स उन्हें दूसरे युग मास्टर ने दी थी, लेकिन जब उन्हें धोखे का पता लगा तो उनकी तलाश शुरू हो गई, लेकिन उन्हें पकड़ना काफी मुश्किल था। और एक दिन मास्टर जिंग शिंग ने तुम्हारे दादाजी को पकड़ने का ऑर्डर दिया था,
जिसमें दोनों के हाथ पैर ही चले गए। जुआन को ये सब कुछ सुनकर काफी बुरा लगता है तो सभी मास्टर उसे समझाते हैं कि जो भी हुआ तुम्हारे दादाजी ने सब तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए किया था और इसलिए अब से तुम हमारे पोते हो और ये तुम्हारा ही घर है। ये सुनकर शुआन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। ये सुनकर बाव वहाँ से बाहर आने लगती है कि तभी एक आदमी उससे अंदर के बारे में पूछता है तो बाव उसे मारने ही लग जाती है। नेक्स्ट चुलान का मैच टैंग वेंग से होता है जिसकी पावर अपनी श्री से पॉइजन बनाने की थी। ये देखते ही चुआन थोड़ा परेशान हो जाता है और इसलिए वो पहले ही वार में अपनी लाइटिंग अटैक से उस पर अटैक करता है लेकिन टैंग पॉइजन फैला देता है जिससे चुआन फिर से अटैक करता है और उसे हरा देता है जिससे चुआन अब क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुका था। नेक्स्ट मैच लिंग और लू लॉन्ग के बीच में होता है जिसे लिंग अपनी लाइटनिंग अटैक से हरा देता है जिससे कि मास्टर लॉन्ग को काफी बुरा लग रहा होता है। मैच के बाद सभी रात में मिलकर एंजॉय करते हुए ड्रिंक्स करते हैं और वहीं एक लड़की लिंग से पूछती है कि चुलान से तुम इतना हेट क्यों करते हो तो लिंग बोलता है कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है, मेरे पास कोई हक नहीं है कि मैं उसे हेट करूं। तभी फिर वो उसे चुलान से माफी मांगने को कहती है। वहीं चुलान ज्यादा ड्रिंक कर लेता है तो सभी लोग उससे उसकी बॉडी की सील दिखाने को कहते हैं। चुलान भी उनकी बात को मानकर सबको गोल्डन बारिस की पावर से वो सील दिखाने लगता है जिसे देखकर लिंग से माफी मांगने का ख्याल ही छोड़ देता है और कहता है कि मास्टर ने आखिरकार किस नमूने को बुला लिया है। वहीं हम मास्टर जेहब और वॉन्ग को देखते हैं। वॉन्ग उनसे कहता है कि मैं यहाँ कॉम्पिटिशन जीतने नहीं बल्कि चुलान को किसी कारण से रोकने के लिए आया हूँ। तो मास्टर उसे कहते हैं इसके लिए तो तुम्हें जूसिंग को हराना होगा, क्या तुम ऐसा कर पाओगे। वॉन्ग फिर हाँ बोलता है कि तभी मास्टर उस पर अटैक करते हैं जिससे कि वॉन्ग तो टाइम को ही मैनिपुलेट करके अटैक को रोक लेता है लेकिन इससे उसकी बॉडी पर बहुत सारे इफेक्ट होने लगते हैं। मास्टर भी उसकी काफी तारीफ करते हैं जहाँ पर यांग ये कहते हुए चला जाता है कि यहाँ रहना अब चुलान पर निर्भर करता है। नेक्स्ट डे जब चुलान उठता है तो सबको रात की बात भूलने को कहता है लेकिन इसके लिए तो सभी उसे टीज करने लग जाते हैं। तो चुलान उनसे पूछता है कि अच्छा तुम लोगों ने मेरी फोटो तो नहीं ली है ना। वॉन्ग बोलता है कि नहीं क्योंकि उसे हमारा तो कोई काम नहीं बनता और इसलिए हमने पूरी वीडियो ही निकाल ली है जिससे कि चुआन उनके पीछे भागने लग जाता है। ग्राउंड में चुलान मुंह छुपा कर आता है और वहीं बाव का मैच शाओ से था जो कि उस पर अपनी स्नीप पावर से अटैक करता है। बाव उसे बचने की कोशिश करती है। बाव की फाइटिंग स्टाइल देखकर सभी मास्टर बाव के मास्टर की बात कर रहे होते हैं लेकिन उसके बारे में कोई भी जानकारी किसी को नहीं थी कि तभी मास्टर जी है बाव की आंखों को देखकर बोलते हैं कि ऐसी आंखें तो पुराने विलन से मिलती हैं। मास्टर लॉन्ग भी बोलते हैं कि उसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं मिली लेकिन उसके पावर को देखकर वो बोलते हैं कि और भी उसके जैसे पावरफुल लोग हैं लेकिन भाई उन सबका तो एक डार्क सीक्रेट है। साओ बार बार बाव पर अटैक किए जा रहा था और इसलिए बाव फिर शी बुलेट से काउंटर अटैक ही कर देती है जो कि उसे सुसी ने ट्रेनिंग कैंप में सिखाया था। चुलान और मास्टर उसके इस अटैक से काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि इस अटैक को हर कोई संभाल नहीं पाता है। साओ पर इस अटैक का कोई भी असर नहीं होता और वो फिर से उस पर बैक अटैक करता है जिससे कि बाव तो उसका मुंह ही बंद कर देती है और उसे के अटैक से उसकी स्पिरिट बाहर आने लगती है। मास्टर लॉन्ग उसको ठीक करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ते हैं लेकिन ग्रैंड मास्टर उन्हें रोक देते हैं क्योंकि वो तो ये देखना चाहते थे कि आगे क्या होने वाला है। बाव उसकी स्पिरिट को खुद के अंदर इकट्ठा कर लेती है और साथ ही बलून बनकर उड़ने लगती है कि तभी जूसिंग और वॉन्ग हेल्प के लिए जैसे ही आगे बढ़ रहे होते हैं तो जूसिंग ग्राउंड के चारों तरफ एक बैरियर बनाकर बाव को वो स्पिरिट रिलीज करने को कहता है जिसके रिलीज होते ही वॉन्ग स्पिरिट को वापस से साव के अंदर डाल देता है। नेक्स्ट मैच जूसिंग और वॉन्ग का होता है जिसमें जूसिंग फिर से एक बैरियर बनाकर वॉन्ग पर अटैक करता है जिससे वॉन्ग को कुछ भी नहीं होता है कि तभी उसकी नजर वाटर बॉल पर पड़ती है। वॉन्ग उसे बचते बचाते हुए दीवार से टकराकर खत्म कर देता है। जूसिंग फिर से वाटर बॉल पर अटैक करता है और वॉन्ग उसे इस बार एक हाथ से ही रोक लेता है जिसे देखते ही सब काफी हैरान हो जाते हैं। वॉन्ग जूसिंग को सोचने का टाइम देता है। जैसे ही फिर जूसिंग अपनी प्रेडिक्ट पावर यूज करता है तो वो देखता है कि उसके सामने एक रॉक मॉन्स्टर उस पर हमला करने ही वाला है और वो उसे अटैक को रोक लेता है और काउंटर अटैक में फायर बॉल वॉन्ग की तरफ भेजता है जिसे वॉन्ग एक पेड़ से रोक लेता है। जूसिंग के अटैक अब वॉन्ग पर काम ही नहीं कर रहे थे। वॉन्ग से हार मानने को कहता है कि तभी जूसिंग एक आखिरी अटैक के लिए अपनी आंखें बंद करके नेचर को फील करता है और अपनी फुल पावर से वॉन्ग की तरफ बढ़ता है लेकिन वॉन्ग उसे टेलीपोर्टेशन से डिफेंस कर लेता है।
जो कि सच में सबके लिए काफी ज्यादा हैरान करने वाली बात थी। जूसिंग की बॉडी से अचानक से ब्लड आने लगता है। वो ओंग से बताता है कि उसने उसके वाइटल पॉइंट को पैरालाइज ही कर दिया है, लेकिन जूसिंग तब भी हार नहीं मानता है और फ्यूचर प्रेडिक्ट करने लगता है। वोंग उसे ऐसे करने से रोकता है। जूसिंग बोलता है कि नहीं, जिस पावर से मैं हार रहा हूँ उसके बारे में मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ। तो वोंग फिर उसे इशारे से समझाता है कि फिर एक चार्ट बनाकर वो उसे कहता है कि वो नेचर और शी सबको मैनिपुलेट कर सकता है और तुम्हारे पूर्वज बहुत ही ज्यादा बहादुर थे जो इस दुनिया को बचाने के लिए जरा भी पीछे नहीं हटे थे। और ये सुनकर तो जूसिंग फिर अपनी हार ही मान लेता है। मैच के बाद सुसान चुआन को कहता है कि तैयार है ना, क्योंकि आगे तुम्हारा मैच वोंग से ही होगा। ये सुनकर तो चुआंग पहले से ही हार मान लेता है। तो बाओ फिर उसे फावड़े का साइन करके दिखाने लग जाती है, यानी कि वो वोंग को भी गाड़ देगी, जिसे चुआन फिर उसे ओके का साइन दिखाता है, जिसे कोई भी समझ नहीं पाता। नेक्स्ट मैच फेंग और जिया का होता है, जिसमें जिया को फोन पर अपनी माँ से बात करते हुए देखकर फेंग अपनी पावर से एक जोरदार पंच मारती है, जिसे कि इसका फोन ही टूट जाता है और वो बात करने के लिए दूसरा फोन मांगता है, जिसे कि घाव उसे अपना फोन देती है और वो कॉल करके अपनी माँ को फेंग के बारे में बताने लग जाता है। और वो तो फेंग से बात करने की ही जिद करने लग जाती है, जिसे कि वो फेंग से मैच के बाद गाँव आने को कहती है। जिया की माँ फेंग के लिए वो मैच हारने को कहती है, लेकिन जिया ये मैच जीतना चाहता था क्योंकि नेक्स्ट मैच बाओ के साथ जो होना था और दोनों ही उससे बदला लेना चाहते थे। दोनों में जबरदस्त फाइट होती है, लेकिन कोई हार नहीं मान रहा था। और वहीं बाओ फावड़ा और रस्सी लेकर वोंग को किडनैप करके वहाँ से निकल जाती है। लास्ट में जिया अपने नाइफ से अटैक करता है। फेंग भी वहाँ पर अपनी टेलीपोर्टेशन से काउंटर करके उसकी नाइफ उसी की तरफ मोड़ देती है और दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। लेकिन फेंग थोड़ी ही देर में उठ जाती है और फाइनली वो इस फाइट की विनर भी बन जाती है। वहीं दूसरी तरफ वोंग कुछ लोगों से छुपकर एक जगह पर जाकर बैठा हुआ था कि तभी वह उसके सर पर जोरदार अटैक कर देती है। यहाँ पर शिंग और चुआन फेंग से मिलने के लिए आते हैं, जहाँ पर जिया था और वो तो अभी भी अपनी मॉम से ही बात कर रहा था, ममास बॉय। वेल तो घाव वहाँ पर आकर चुआन से पूछता है कि वैसे तुमने कल के मैच के बारे में क्या सोचा है। चुलान फिर जल्दी से जाकर बाओ को कॉल करता है, जो कि वोंग को गाड़ने के लिए गड्ढा खोद रही थी। वोंग ये देखकर बाओ से शांति से बात करने को कहता है, लेकिन बाओ उसे इग्नोर करके गड्ढे में पानी डालने लगती है ताकि वो भाग ही ना पाए। वोंग फिर अपनी पावर से यूज करके वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन बाओ को कुछ फील ही नहीं होता। तभी फिर वोंग उस पर अपने बहुत सारे अलग अलग अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन बाओ बहुत ही आसानी से डिफेंड करके उस पर ही उल्टा अटैक कर देती है। तो गाइस फिलहाल तो यहीं पर इन एपिसोड का ध्यान हो जाता है, लेकिन आगे की स्टोरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाली है। नेक्स्ट फाइट चुआन की होने वाली है और वो क्या रंग दिखाएगा ये तो आपको नेक्स्ट वीडियो में ही पता चलेगा, और वो मैं तभी एक्सप्लेन करूंगी जब आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका नेक्स्ट पार्ट मांगोगे। साथ ही अगर चैनल पे नए हो ना तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि अगली वीडियो आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो जाए। और मैंने इतनी सारी मेहनत की है तो एक लाइक तो बनता ही है। तो वीडियो अगर थोड़ी सी भी पसंद आती है ना आपको तो लाइक भी कर ही देना।